हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो थर्मल पावर प्लांट की सीरीज़ में से है। और आज का टॉपिक है पीए फैन, एफडी फैन, आईडी फैन। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो थी बॉयलर के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्योंकि इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मैं उसी वीडियो को लेकर आया हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स, पीए फैन, एफडी फैन, आईडी फैन, इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉयलर के अंदर, थर्मल पावर प्लांट के अंदर, तो इसके लिए एक अलग ही वीडियो होनी चाहिए थी, इसलिए मैं लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, पीए फैन जो होता है हमारे पास, वो प्राइमरी ड्राफ्ट फैन होता है जो कि हाई प्रेशर आउटसाइड एटमॉस्फेयर से एयर को लेता है, सक करता है, और उसको फिल्टर से क्लीन करते करने के बाद वो एपीएच में से उसको पास करवाते हैं। एपीएच होता है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि वो जो एयर जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं पीए फैन से, वो पहले से ही थोड़ी सी गर्म हो जाए, ताकि वो हमारे जो हमने एक हीट बना के टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है फर्नेस के अंदर, वो गिरे ना, वो वहीं मेंटेन ही रहे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। और फिर ये हम कोल मिल को पास करते हैं, जहाँ पे कोल को पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया गया जाता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू हमारे पास कोल को है वहाँ से उठाता है, कोल पाउडर को, और उसको बॉयलर फर्नेस में डाल देता है। इसका मेन यही काम होता है फ्रेंड्स। और ये जो होता है हमारे पास, ये बॉयलर के और मिल एरिया के बीच में प्लेस होता है हमारे पास, जिसको हम बॉयलर इनलेट भी कहते हैं। वहाँ से इसका असेस बहुत आसान होता है फ्रेंड्स। ये पॉजिटिव ड्राफ्ट होता है, इसमें जो पॉजिटिव प्रेशर होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू ये सारा कोल पाउडर को उठाता है। फ्रेंड्स, एयर प्री हीटर जो होता है वो एफडी फैन और पीए फैन दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि प्रोसेस का जो हमारे पास एक टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है हमने फर्नेस के अंदर, वो ना टूटे। जैसे एक आप दूध के पतीले में अगर दूध गर्म कर रहे हो और उस पर से पानी के छींटे मार दें, तो वो वापस उसको और टाइम लगेगा गर्म होने में। तो एक तरीके से उसका जो टेम्परेचर मेंटेन कर रहा था वो आपने तोड़ दिया था, उसी हिसाब से वो ना हो स्थिति यहाँ पर हम ये करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एयर प्री हीटर। अब फ्रेंड्स, हमारे पास एफडी फैन आता है। एफडी फैन जो होता है हमारे पास, ये सेकेंडरी एयर ड्राफ्ट कहलाता है, और ये फर्नेस के जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कोल को या किसी फ्यूल को जलने के लिए, ये उसको प्रोवाइड करवाता है। इसमें भी एटमॉस्फेयर से एयर को लिया जाता है और हमारे पास फिर फिल्टरों से गुजार के उसको क्लीन किया जाता है, और फिर एयर प्रीटर से थोड़ा सा उसको, उसमें से मॉइस्चर जो है वो उड़ाया जाता है, और यही मॉइस्चर जो होता है ख़त्म कर दिया जाता है, और फिर वो फर्नेस के अंदर हमारे पास जो इग्नीट करने के लिए कोल को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमारे फ्रेंड्स एक और इसका इस्तेमाल होता है, एफडी फैन से एयर को हमें दो हिस्सों में बांट लेते हैं, कोल्ड और हमारे पास हॉट एयर। हॉट एयर तो हमारे पास इसी काम के लिए चल जाती है, कंबशन के लिए, और जो हमारे पास कोल्ड एयर होती है फ्रेंड्स, वो हमारे पास दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमारे पास चार और फैन होते हैं जो थोड़े छोटे लेवल पे होते हैं, लेकिन हमारे पास इनको सपोर्ट करते हैं। जैसे होता है स्कैनर एयर फैन, ये जो हमारे पास क्या करता है, कूल एयर को हमारे पास फ्लेम जो हमारे पास बॉयलर के अंदर अलग अलग मंजिल के ऊपर, जो बॉयलर का स्ट्रक्चर होता है अलग अलग मंजिल पर, अलग अलग एलिवेशंस पे जो हमारे पास है, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जो कि स्कैन करते हैं फ्लेम को, ये उनको ठंडा रखता है और उसके ऊपर जो है इकट्ठी नहीं होने देता डस्ट, आश पार्टिकल्स। और एसी स्कैनर फैन जो बूस्टर होता है, वो एफडी फैन से अगर जो एयर आ रही है वो उसको प्रेशर कम हो गया तो उसको बूस्ट कर देता है। और डीसी स्कैनर फैन, ये तीसरा फैन होता है फ्रेंड, जो कि अगर बाय चांस एसी सप्लाई फेल हो जाए या एसी स्कैनर मोटर फेल हो जाए, तो डीसी मोटर हमारे पास डीसी स्कैनर फैन के लिए चलाई जाती है, और ये वही काम करता है जो एसी स्कैनर फैन करता है, बूस्टर। उसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स चौथा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सील एयर फैन। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, या तो ये एफडी फैन से लेता है या फिर एटमॉस्फेयर से ये अलग से सप्लाई लेता है। अलग अलग प्रोविधान हो सकते हैं अलग अलग थर्मल पावर प्लांट में। फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये कोल मिल को सील कर देता है और फीडर को, बैरिंग गेट्स को मिलके सील कर देता है। बेसिकली क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, जो प्रेशर हम एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रेशर होता है, और जिससे ये आसपास के जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको, उसके आसपास ही ये घूमता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा होता है वो डस्ट पार्टिकल्स बाहर नहीं जा पाते। अगर ये बैरिंग के और मिल के दूसरे एरिया के बीच में होता है, तो मिल में जो डस्ट होती है कोल पार्टिकल्स की, वो बैरिंग में नहीं जा पाती इसकी वजह से। तो इन चारों का ये मेन मकसद होता है, और ये एफडी फैन की एयर से ही का इस्तेमाल करते हैं, और एटमॉस्फेयर का भी कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर एयर का, ये डिपेंड करता है कैसा है। और तीसरा सबसे लास्ट फैन हमारे पास आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडी फैन। आईडी फैन फ्रेंड्स, ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, लेकिन इसमें नेगेटिव प्रेशर होता है।
फ्रेंड्स इसमें नेगेटिव प्रेशर होता है, और ये नेगेटिव प्रेशर जो होता है फ्रेंड्स ये एटमॉस्फेयर जो होता है उससे लोअर पोजीशन में होता है, लोअर होता है एटमॉस्फेयर से, इसलिए इसको हमने नेगेटिव कहा है। और इसको नेगेटिव इसलिए भी कहा है कि इसका काम होता है जो फ्ल्यू गैसेस फर्नेस में इकट्ठा हो गई हैं कोल के बर्न करने पे, ये उनको खींचते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक रेस्पिरेटर से पास होते हुए चिमनी में छोड़ देता है, जिससे कि वो बाहर चले जाते हैं। और इसी तरह से हमारे पास ये जो ड्राफ्ट है एयर का वो बैलेंस हो पाता है बॉयलर के अंदर। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। अगर आप और भी वीडियो बनवाना चाहते हैं मेरे से किसी और टॉपिक पे, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सजेशन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।